वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो चलो ब्रेक में जाने के पहले कुछ प्रैक्टिकल चीजें सीखी अपन लोग ने फ्यूचर्स के बारे में। देखा कि फिजिकल ट्रांजैक्शन ना हो क्या, मतलब फिजिकली वी मे नॉट बाय और सेल द पार्टिकुलर एसेट, बट उसका जो डेरिवेटिव है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर्स अपन लोग बाय सेल करके उसको मार्जिन में सेटल करेंगे। तो ये मार्जिन मार्जिन क्या है, ये मार्जिन मार्जिन। और दूसरा एक अच्छा क्वेश्चन पूछा चंदन बिटवा ने कि सर कोई फ्यूचर्स का ट्रांजैक्शन क्यों करता है जब इतना मार्जिन मार्जिन लगता है। तो आओ इन दोनों चीजों का आप लोग को जवाब देता हूं मैं। तो अभी अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं समथिंग रिलेटेड टू द मार्जिन, एंड सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट कि भाई क्यों फ्यूचर्स इंपॉर्टेंट है एंड क्यों फ्यूचर्स में अपने को ट्रांजैक्शंस करना चाहिए, या यूजुअली हु आर द पीपल्स हु एंटर इनटू अ फ्यूचर्स ट्रांजैक्शन। चलो ठीक है, चलो आओ सबसे पहला क्यों करते हैं पता है क्या फ्यूचर्स में ट्रांजैक्शन, बिकॉज इसमें अपसाइड डाउनसाइड दोनों में खेलने को मिलता है। फ्यूचर्स करने का रीजन, फ्यूचर्स खेलने का रीजन क्या है, क्या है खेलने का रीजन कि इसमें अगर आप फ्यूचर्स बायर बनते हो तो आपको अपसाइड भी खेलने को मिलता है, बराबर है। और अगर आपको चाहिए तो आपको लग रहा है किसी का नेगेटिव होने वाला है तो आप सेल भी कर सकते हो, जिसको कहते हैं फ्यूचर सेलर। समझ रहे हो? तो अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर शेयर है वो गिरने वाला है, देन इन दैट केस आप उसका फ्यूचर सेल कर दो। तो आपने सेल कर दिया, अब जब मार्केट इधर आएगा तो आप बाय कर लेना, हो गया प्रॉफिट। सेल बाय डिफरेंस, समझे क्या? सेल किया है तो फ्यूचर्स क्या बोलता है, उसको स्क्वायर ऑफ तो करना ही पड़ेगा भाई, देखा ना, स्क्वायर ऑफ तो करना ही पड़ेगा। तो अगर मैंने सेल किया है तो स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाय करूंगा लो पे, मुझे लग रहा है गिरने वाला है, हो गया मेरा प्रॉफिट, समझे। तो डाउनसाइड एंड ऑप्शन, यस ऑप्शन में भी मिलता है, बट वहां पे आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, यहां पे आपको मार्जिन में खेलने को मिलता है 5 times। मैं बता दूं क्या, सो फ्यूचर्स में क्या हो जाता है, फ्यूचर्स में क्या हो जाता है कि अभी से फॉर एग्जाम्पल मेरे को 17,700 का से, अभी मैं आपको बताता हूं क्या, निफ्टी के जगह रिलायंस ले दो, ठीक है। अब रिलायंस का भाव है से फॉर एग्जाम्पल 1,500 पर शेयर, ठीक है। अब मेरे को अगर इसका 100 शेयर बाय करना है, ठीक है, मुझे लग रहा है रिलायंस ऊपर जाएगा, मुझे लग रहा है रिलायंस ऊपर जाएगा अपसाइड, तो मैं क्या करूंगा, रिलायंस का बाय करूंगा, बराबर है, ठीक है। सो मैं बाय करूंगा, अब मेरे को अगर रिलायंस का शेयर बाय करना है तो मेरे को 1,500 × 100 150,000 रुपया पैसे का जरूरत पड़ेगा, 150,000 रुपया मेरे को रुपए का जरूरत पड़ेगा। फ्यूचर्स आपको क्या बेनिफिट देता है पता है क्या, फ्यूचर्स बोलता है इसका खाली 20% दो, कितना है 20%, वो भी 20% एवरेज बोल रहा हूं मैं, कभी 10% होता है, 12, 15, 18, 20। तो अगर आपने इसका 20% दे दिया ना, तो खाली ये 30,000 दे के आप 1,50,000 रुपए का माल खरीद के उसमें प्रॉफिट कमा सकते हो। ये जिस दिन आप समझ जाओगे ना, उस दिन आपका काम हो जाएगा। अभी मैंने क्या किया पता है क्या, अभी मैंने क्या किया, निफ्टी पे 8.5 लाख रुपए का निफ्टी का माल मैंने ट्रांजैक्शन किया, तुम लोग के सामने अभी जो मैंने किया ना, 8.5 लाख रुपए का माल था वो, मैंने कितना पे किया, मैंने मार्जिन मनी पे किया 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए से मेरा काम हो गया। अब 1,00,000 रुपए में मैं क्या कर पाया पता है क्या, 8,85,000 रुपीज के निफ्टी पे खेल पाया। अब मैं तो रुका नहीं ज्यादा, थोड़ा रुकता मैं तो वही प्रॉफिट 350 की जगह 3,500 का भी हो सकता है, समझ रहे हो। दिस इज वॉट निफ्टी, दिस इज वॉट फ्यूचर्स गिव्स यू, इट गिव्स यू लेवरेज, इट गिव्स यू लेवरेज भाई।
अब अगर मैं 1,00,000 1,500 का शेयर्स खरीदता है, मेरे को रिलायंस का 1,50,000 मुझे खाली करना पड़ेगा, ये 1,50,000 तो मेरा तो फुकट का यार गया ना, बराबर की नहीं, अटक गया ना उतना, उससे अच्छा खाली 20% अटकाओ, 30,000 रुपए का खर्चा करके हो गया अपना काम। और हो सकता है तुम जैसे लोगों के पास, जो जिनका कोई वैल्यू नहीं है, जिनका कोई औकात नहीं है मार्केट में, जो सीए नहीं हो, खाली एक बीकॉम हो, तुच्छ बीकॉम हो, तुम लोग जैसे लोगों के पास तो पैसा होगा ही नहीं। माँ बाप के पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे खुद के पैसे की बात कर रहा हूं, तो तुम जैसे लफंगदरों के पास तो पैसा होगा भी नहीं। तो तुम लोगों के लिए तो फ्यूचर ही अच्छा है कि भाई मेरे को करना बड़ा ट्रांजेक्शन है, बट 20%, तुम लोग जैसे लोगों के पास सपोज 30,000 रुपए ही है। अब आइडियली तुम लोग देखोगे ना 30,000 रुपए, तो मैं खाली रिलायंस का 1,500 × 20, खाली 20 ही शेयर खरीद पाऊंगा 30,000 में। तो बट फ्यूचर्स की वजह से मैं 100 शेयर में डील कर पाया हूं, 100 शेयर में मैं डील कर पाया हूं। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइज, सो इट गिव्स यू अ लेवरेज, दूसरा बेनिफिट। तो फ्यूचर का पहला बेनिफिट क्या बोला? इट गिव्स यू अ लेवरेज। आपके पास जितना पैसा है ना, मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स का आपको लेवरेज मिलता है। लेवरेज मतलब डेट, मतलब उतना आपको एक्स्ट्रा डीलिंग करने को मिलता है, तो 5 टाइम्स का आपको लेवरेज मिलता है, समझ रहे हो? 8.5 लाख रुपए का मैं चीज का ट्रांजेक्शन किया, 1 लाख रुपए देखे। दूसरा बेनिफिट, डाउनसाइड पे भी आप बेनिफिट गेन कर सकते हो। यू कैन अर्न इवन इवन इफ मार्केट गोज डाउन बाय शॉर्टिंग, शॉर्ट कर दो, समझ रहे हो तुम लोग? सो अगर आपको लग रहा है कि भाई चलो मेरे को पैसा कमाना है, तो आप फ्यूचर सेल कर दो। अगर आपने फ्यूचर सेल किया और मार्केट नीचे गया, लो भाव पे बाय कर दो, डिफरेंस आपका प्रॉफिट। समझी गुडू एवरीबॉडी? बोलो यार, बोलते ही नहीं, हाँ ना? बस यही 2 बेनिफिट्स है फ्यूचर्स में ट्रेड करने का। तो फ्यूचर्स बायर क्या करता है, ही एज अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय। ये किस पे टू बाय? तो ये क्या कर रहा है बंदा, अपसाइड बेटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है जो बायर है, वो क्या कर रहा है, अपसाइड बेटिंग कर रहा है। अपसाइड बेटिंग को कहते हैं लॉन्ग पोजीशन लेगा। अब ये ना लॉन्ग शॉर्ट को यूज करना चालू कर दो। बता रहा हूं, फ्यूचर्स अपना जो ऑप्शंस का जो लास्ट लेक्चर था ना, उसमें मैंने तुम लोगों को बताया था ना लॉन्ग शॉर्ट वैसा। और फ्यूचर सेलर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। ये स्क्वायर ऑफ कैसे करेगा, फ्यूचर्स बायर बाय सेलिंग, ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, डाउनसाइड बेटिंग। शॉर्ट पोजीशन, ठीक है? इसको स्क्वायर ऑफ कर रहा है। स्क्वायर ऑफ कैसे करेगा, कैसे याद रखना, इसको स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ता है, फ्यूचर्स को स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ता है, सिंपल। तो वैसा है, बट अगेन फ्यूचर्स थोड़ा बड़ा गेम है, तो इसलिए यूजुअली इससे दूर रहने का। फ्यूचर्स में घुस गए ना तो समझ रहे हो ना तुम लोग, लोगों के घर उजड़ते हुए देखे मैंने, ठीक है? उजड़ते हुए घर, उजड़ते हुए घर के घर उजड़ जाते हैं, मतलब करोड़ों का नुकसान हो जाता है, पता भी नहीं चलता। मैंने सोचा ना, एक निफ्टी का मैंने लॉट लिया, मेरा 8.5 लाख रुपए का गेम हो गया। तो यू कैन जस्ट इमेजिन। बस डन, समझ में आ गया सब लोगों? बोलो ना, क्लियर है इधर तक सब लोग? बताओ तो आगे बढ़े, हम भी। और नहीं तो बताओ क्या करना है, और बताए। डन है इधर तक, क्लियर है?
इसको अगर मेरे को फ्यूचर्स को डिफाइन करना हुआ तो कर सकता हूं क्या मैं? क्या मैं फ्यूचर्स को डिफाइन कर सकता हूं क्या? यस कर सकते हो सर, क्यों नहीं कर सकते हो? कैसे करूंगा देखो, सो फ्यूचर्स क्या है? डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स स्लैश कॉन्ट्रैक्ट्स दैट। अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है जो उधर नहीं था। उधर है ना राइट टू बाय, राइट टू सेल था, वट था आपका। यहां पे दैट ऑब्लिगेट द पार्टीज। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन लिया है तो स्क्वायर ऑफ शॉर्ट में करना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है, दैट ऑब्लिगेट्स द पार्टीज। किस चीज का? टू ट्रांजैक्ट एन एसेट, टू ट्रांजैक्ट एन एसेट एट फ्यूचर डेट एंड प्राइस। कच्चा है एवरीबॉडी? कच्चा है, डन। ओके, इन फ्यूचर्स ट्रांजैक्शन इज डन इन लॉट्स, याद रखना, ठीक है ना? हाँ, ऑप्शन गरीबों के लिए, फ्यूचर बड़े लोगों के लिए। एकदम सही बोला बेटा, एकदम सही बोला चंदन। अच्छा, और एक चीज कहना, इससे लॉस लॉस और प्रॉफिट ऑफ फ्यूचर बायर इज इक्वल टू, प्रॉफिट और लॉस ऑफ फ्यूचर सेलर, बराबर कि नहीं? वन टू वन, इसका लॉस इसका प्रॉफिट बनेगा, इसका प्रॉफिट इसका लॉस बनेगा, है ना? वन टू वन, बीच में स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकरेज कमाएगा। लास्ट ऑप्शन, फ्यूचर्स आर ट्रेडेड इन लॉट्स, आर ट्रेडेड इन लॉट्स। एग्जाम्पल, वन लॉट ऑफ RIL इक्वल टू 100 शेयर्स, वन लॉट ऑफ RIL फ्यूचर्स इक्वल टू 100 शेयर्स, डन। चलो, इधर तक क्लियर है? चलो, अब अपन लोग आ रहे हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसका नाम है मार्जिन, ठीक है? सो मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ने देखा होगा, बराबर है? मार्जिन्स रखता है स्टॉक मार्केट ताकि आप चूना लगा के भाग ना जाओ। सो मार्जिन्स इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, तीन तरह के मार्जिन्स होते हैं। तीन तरह के मार्जिन्स होते हैं, उसमें से दो मेन होते हैं, एक मार्क टू मार्केट होता है, एक होता है इनिशियल मार्जिन। तो मैंने जब एंट्री किया तो मुझे कुछ इनिशियल मार्जिन तो रखना ही पड़ता है। यहां पे जब मैं एंटर कर रहा था ना, ये मेरा और एक पोजीशन ओपन है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसको एग्जिट कैसे करूं मैं? मेरा और एक पोजीशन ओपन है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। तुम लोगों को क्या लग रहा है? देखो ना, मैंने शायद दो ट्रेड मार लिया था क्या? चलो, इसको भी क्लोज कर देता हूँ भाई, मच मच नहीं चाहिए, अभी थोड़ा लॉस दिख रहा है, जाते वक्त देख लेंगे, थोड़ा प्रॉफिट हुआ तो इसको क्लोज कर देंगे। हाँ, समझे क्या?
याद रखना, ठीक है? देखो यहां पे मेरा एक सेल पोजीशन खुला है, सेल पोजीशन खुला है। सेल पोजीशन मतलब मैंने सेल कर दिया है, मतलब मेरे को चाहिए मार्केट नीचे जाए। अब तुम लोग नोट करना, जितना मार्केट नीचे जाएगा ना उतना मेरा प्रॉफिट बढ़ देगा, जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना मेरा प्रॉफिट कम होगा। देखो मार्केट नीचे जा रहा है, इधर 812 दिख रहा है, जब 811 हुआ मेरा प्रॉफिट बढ़ा। देखो 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 812, देखो अभी ये 814 हो गया, मेरा लॉस बढ़ेगा। जितना मार्केट अभी नीचे जाएगा ना उतना मेरे को फायदा होते जाएगा, वैसा है। तो ये प्रूफ भी हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो, समझ रहे हो? एनीवेज ये ओपन को अपन लोग देखेंगे बाद में, लेक्चर खत्म हो रहा होगा तब देखेंगे इसको कैसे क्लोज करना है, ठीक है? सो बेसिकली अपन लोग थे इनिशियल मार्जिन के ऊपर। अब इनिशियल मार्जिन क्या है, तो चंदन बिटवा ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था। क्या चंदन बिटवा, क्या था वो वर्ड? इट वॉज कॉल्ड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। सो बेसिकली आपको एक इनिशियल मार्जिन, मैं आपको पहले समझा देता हूं फिर उसको प्रैक्टिकली आप लोगों को इधर लिखवा दूंगा। चलो आओ पहले मैं समझा देता हूं, सुनो। इनिशियल मार्जिन रखना पड़ता है आपको, इसके लिए भी है ना मार्जिन कैलकुलेटर होता है, इसके लिए भी एक मार्जिन कैलकुलेटर होता है। सो अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो आपको दिखेगा, देखो मार्जिन कैलकुलेटर, फ्यूचर्स मार्जिन कैलकुलेटर डालो, फ्यूचर्स मार्जिन कैलकुलेटर दिखा, देखो अभी इसमें जीरो दा FNO मार्जिन कैलकुलेटर दिख रहा है, ये देखो मार्जिन कैलकुलेटर आ गया। तो अभी कौन सा आपको शेयर लेना है, उसमें क्या कितना क्या है, इधर सब दिखेगा। इधर इक्विटी फ्यूचर्स पे जाओ, ये देखो, ये देखो अगर आपको आरती इंडस्ट्रीज का फ्यूचर लेना है तो 22% मार्जिन है, ABB का लेना है तो 22%, किसी का 18, किसी का 23, वैसा है। जितना खराब मार, देखो अडानी की हालत खराब है ना, तो अगर आपको अडानी में लेना है तो 50% मार्जिन रखना पड़ेगा। अपन ने निफ्टी में किया, निफ्टी सेफ है, 10% मार्जिन में अपना काम होगा, 8% 10% मार्जिन में काम हो जाएगा। बट ये देखो अंबुजा सीमेंट रेड, नो ट्रेडिंग अलाउड, वैसा, समझ रहे हो तुम लोग? अडानी का तुम लोग देखो, अभी देखो एशियन पेंट्स अच्छा है 18%, निफ्टी बेस्ट है, सबसे कम होगा उसका, वैसा। बाकी सबका यूजुअली तुम लोग देखोगे तो 20% रहता है। अब जितना खराब माल उतना खराब उतना उसका रहता है, वैसा। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। इधर से आप आपका कैलकुलेशन देख सकते हो कि भाई क्या आपको, समझो कोई खरीदना है तो कितना आपको लेना पड़ेगा। ये देखो निफ्टी 11%, अपन ने उतना ही दिया ना अप्रोक्सीमेटली 11%, बराबर कि नहीं? सो 8.5 का माल खरीदा अपन ने एंड अप्रोक्सीमेटली 1,00,000 रुपए अपन लोग ने दिया था, गॉट इट? वैसा मार्केट देखते रहना नीचे, अगर बहुत नीचे जाएगा मार्केट तो मुझे बोल देना, क्योंकि मेरे को स्क्वायर ऑफ करना है वो वाला एक पोजीशन जो खड़ा है, बस याद रखना। सो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं, इनिशियल मार्जिन इज लाइक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, विच इज यूजुअली 10-25% ऑफ ट्रेडिंग वैल्यू, ट्रेडिंग वैल्यू, समझ रहे हो? ट्रेडिंग वैल्यू का 10-25% होता है। अच्छा अब समझो मेरे उसमें सिक्योरिटी मार्जिन आ गया ₹1,00,000, ₹1,00,000, ठीक है। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ मेंटेनेंस मार्जिन, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है कि इससे नीचे जाना ही नहीं चाहिए। समझो आपका मेंटेनेंस मार्जिन है 85,000, मतलब ये आपका हो गया थ्रेशोल्ड, इससे नीचे जा ही नहीं सकता। मिनिमम इतना मार्जिन तो रखना ही रखना है, मिनिमम मार्जिन टू बी केप्ट, ठीक है। अब सुनो आपका मार्जिन है 1,00,000, ठीक है, लॉस हुआ थोड़ा और आपका मार्जिन हो गया से 90,000, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। समझो ये आपका आ गया 84,000, तो क्या होगा, तो क्या होगा, सीधा आपको सेबी से कॉल आएगा,
सीधा सेबी से कॉल आएगा, ये भाई तेरा मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे चले गया है। तो आप बोलोगे मेरा मेंटेनेंस मार्जिन 85,000 है, तो आप जाओगे और इमीडिएटली 1,000 रुपया जमा करवा दोगे, सीधा चमाट मिलेगा आपको सेबी से। सेबी बोलेगा जैसे ही मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे गए, इमीडिएटली इनिशियल मार्जिन जितना डिपॉजिट कर दो। मतलब आपको यहाँ पे 16,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा। मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे गए, डिपॉजिट टू द एक्सटेंट ऑफ इनिशियल मार्जिन। समझी गुडू? ओ निधि, निधि बोलिए मार्केट डाउन है, चेक करो, देख प्रॉफिट आ गया। वाह निधि वाह, सही बोली तू। देख लो तुम लोग, मार्केट डाउन गया। निधि ने अभी देखो लाइव चैट पे बोला सर मार्केट डाउन है, देखो इधर मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। कर दू स्क्वायर ऑफ, मच मच नहीं, टेंशन नहीं। हाँ जैसे बैंक में भी मिनिमम बैलेंस चाहिए होता है वैसे ही। निधि क्या करूं, थोड़ा वेट करूं, डाउन जा रहा है मुझे लग रहा है, जाने देते हैं थोड़ा। कोरोना क्लोज करेंगे करेंगे, ए अभी लॉस पे आ गए। चल आ जाओ अभी अपने इस पे आ जाओ, देखा कितना एडिक्टिव है। जाएगा निधि बोल रही है नीचे जाएगा, चल निधि आई एम रिलाइंग ऑन यू। तू मुझे बोल देना जब और नीचे जाएगा तो उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे। चलो अभी इधर आ जाओ। अब सुनो, समझो इनिशियल मार्जिन है 1,50,000, आपका बैलेंस हो गया अभी 1,45,000, सॉरी इनिशियल मार्जिन है 1,50,000, मेंटेनेंस मार्जिन है 1,35,000, ठीक है। आपका अभी मार्जिन हो गया है रिड्यूस होके से 1,45,000। कुछ आएगा कॉल, कुछ कॉल आएगा आपको, कुछ कॉल आएगा आपको नहीं। मेंटेनेंस मार्जिन मतलब इससे नीचे आप नहीं जा सकते। इनिशियल मार्जिन मतलब से फॉर एग्जांपल 20% आपको चाहिए, वो ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तेरे को तो 20% चाहिए, और फिर मेंटेनेंस मार्जिन मतलब इससे नीचे तू नहीं जा सकती वैसा। अच्छा ओके, अब समझो मार्जिन मेरा हो गया, ये मार्जिन 2 मिनट देना, एक सम करेंगे ना और क्लैरिटी आ जाएगा जानवी। चलो अब ये मेरा हो गया से फॉर एग्जाम्पल 1,38,000, कुछ कॉल आएगा सेबी से, मेरेगा नहीं ठीक है चलेगा चलने दे। समझो अभी तेरा मार्जिन हो गया रिड्यूस होके, समझो ना तूने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया जानवी, तो तेरे को 20% चाहिए ही चाहिए। मतलब इनिशियल मार्जिन तेरा 1.5 लाख हुआ, अब सपोज उसमें तेरे को लॉस होते जा रहा है, तो लॉस होते जा रहा है तो तेरा मार्जिन का अमाउंट गिरते जाएगा गिरते जाएगा गिरते जाएगा, ये गिरते गिरते आ गया 1,32,000 के ऊपर। कॉल आएगा क्या, कॉल आएगा क्या, कॉल आएगा आएगा। कॉल आके क्या बोलेंगे बोलो, कितना जमा करवा दो, 3,000 कि 18,000, क्या बोलेंगे बोलो, कितना जमा करवा दो। समझा जानवी समझा? अब वो लोग बोलेंगे 3,000 नहीं 18,000 जमा करवाओ, इनिशियल पे पहुंचो। मेंटेनेंस के नीचे गया, इनिशियल पे आ जाओ, समझे वैसा। बट इनिशियल ट्रेड करने के लिए मेरे पास इनिशियल मार्जिन होना चाहिए, ट्रेड को मेरे को एग्जीक्यूट करना है इनिशियल मार्जिन जितना होना चाहिए। अभी सपोज तेरे को फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, अब देखो प्रैक्टिकली मैं एग्जाम्पल ही दे देता हूँ जो मैं अदरवाइज दे देता। हाँ बता दो बता दो बता दो। ये देखिए देख, सपोज तूने लॉन्ग किया फ्यूचर्स एट से जब निफ्टी, और तूने निफ्टी किया, निफ्टी को लॉन्ग किया तूने एट 18,000, ठीक है। अब तेरा ये 100 का लॉट है या 50 का लॉट है, तो मतलब 9 लाख रुपीज का हुआ ट्रांजेक्शन, सौदा हुआ। वो लोग ने बोला 20% जमा कराओ, तो तेरा इनिशियल मार्जिन आ जाएगा, इनिशियल मार्जिन आ जाएगा रुपीज 1,80,000। अगर तेरे अकाउंट में 1,80,000 है, अगर 1,80,000 है, ये निफ्टी फ्यूचर्स 18,000 चल रहा है, अरे ये करंट रेट चल रहा है निफ्टी फ्यूचर्स का गधो, ये निफ्टी फ्यूचर्स का 18,000 का रेट चल रहा है, 50 का लॉट है लॉट साइज, तो 9 लाख रुपीज का इनशॉर्ट सौदा मारना है आपको, 20% मार्जिन चाहिए, 20% इनिशियल मार्जिन चाहिए, मतलब 1,80,000 आपको मार्जिन चाहिए। अब आपके पास 1,80,000 है, तो आपके 1,80,000 है तो आपने सौदा मार दिया, ठीक है। अब हुआ क्या सुनो, 18,000 से हो गया 17,000,
900। अब क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा बोलो? आपके पास जो मार्जिन था ना, वो मार्जिन ऊपर नीचे होगा अभी आपके। इट इज लाइक एज गुड एज कि ये आपका प्रॉफिट लॉस में गेम होने वाला है। अब 17,900 भाई, अपने को तो लगा था ऊपर जाएगा, नीचे गया, मतलब इतने का लॉस, 100 यूनिट का लॉस इंटू 50 कितना हो गया? ₹5,000। तेरा मार्जिन है ना कम हो जाएगा और हो जाएगा ₹1,75,000। तेरा जो बैलेंस था ना वो 1,75,000 हो जाएगा। वापस से और नीचे गया, 17,800 हो गया, तो तेरा मार्जिन है ना हो जाएगा 7,75,000 से 1,70,000। समझा? अब यहाँ पे तेरा मेंटेनेंस मार्जिन वो लोग ने फ्रीज किया हुआ है 1,65, 1,62,000 पे, 1,62,000 पे, ठीक है। अब से फॉर एग्जाम्पल मार्केट गया 17,900, तो 100 से बढ़ गया, 100 × 50 5,000 से बढ़ जाएगा, तो 1,70,000 से 1,75,000 पे आ जाओगे तुम लोग। और फिर अचानक से तेरा 17,900 से हो गया 17,500, मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये कितना हो गया? 400 मल्टीप्लाई बाय 50, मतलब 20,000 का सीधा नुकसान। तो ये तेरे पास बचेगा अभी 1,55,000, तेरा मेंटेनेंस मार्जिन ट्रिगर हो जाएगा। अब बोल, यहाँ पे तेरा मेंटेनेंस मार्जिन ट्रिगर हो गया, अब तेरे को सेबी से, स्टॉक एक्सचेंज से कॉल आएगा, भाई 1,55,000 मेंटेनेंस मार्जिन से कम हो गया, चुपचाप उसको इनिशियल मार्जिन पे लेकर आ जा। इनिशियल मार्जिन कितना था मेरा? इनिशियल मार्जिन 1,80,000 था, तो मेरे को यहाँ पे 1,55,000, 1,55,000 प्लस कितना लाना पड़ेगा कि 1,80,000 हो जाए? 25,000। समझा? ये देख, चंदन ने बोला 7,000। भाई बिटवा, ये मेंटेनेंस मार्जिन नहीं, एक बार मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे गया तो सीधा इनिशियल मार्जिन तक फिल करना पड़ेगा। ए समझ गए? अब बोलो मेरे को, सब लोग समझ गए? जानवी तेरे को समझ गया अभी? जानवी तेरे को समझ गया? ए प्रॉफिट चल रहा है, क्लियर? गच्चा? चलो, चंदन बिटवा ने बोल दिया क्लियर, जानवी जी बोलिए। यस, स्टॉक एक्सचेंज इज ट्राइंग टू मेंटेन दैट 20% वाला थिंग ऑलवेज, बट फिर भी उसमें भी उसने तेरे को थोड़ा दिया है कि भाई चल, मेंटेनेंस मार्जिन जितना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होएगा चलेगा, उसमें हम लोग एकदम फिनिकी नहीं है, बट मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे गया ना तो चुपचाप तू फिर चल इनिशियल मार्जिन तक लेकर आ वापस, फिर भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर लॉस बढ़ते गया तो भाई तू तो भाग जाएगा, मुझे जवाब देना पड़ेगा उसको। करेक्ट करेक्ट जानवी, जैसे जैसे लॉस बढ़ेगा फिर अपने को ज्यादा डिपॉजिट देना पड़ेगा। आर वी क्लियर गाइस? डन? समझी गुडू? ओके ओके। इसमें तीन मार्जिन होते हैं, दो मार्जिन होते हैं, एक इनिशियल मार्जिन, एक होता है मेंटेनेंस मार्जिन। दोनों मैंने आप लोगों को समझा दिया है, अभी खाली उसका एक थियोरी लिखवा देता हूं और उससे रिलेटेड फिर एक सम कर देंगे। पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, उसके बाद मैं लिखता हूँ ये चीज। चलो एक मिनट, ना मार्केट नीचे जा रहा है तो देखना भाई प्रॉफिट कमाने का है, माल लाओ माल लाओ। निधि है तो टेंशन नहीं है, ध्यान दे रही है वो, राइट? नीडो। So, ये क्या है आपका? सिक्योरिटी डिपॉजिट के जैसा। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट होता है? आप उधर तो ऐसा नहीं लिख सकते ना एग्जामिनर को, तो सर गूगल पे जाओ, गूगल पे सब दिख जाएगा। अरे वाह, महिमा जी बोल रही है सर मार्केट डाउन हो रहा है, सर अभी कर दो स्क्वेयर ऑफ, ज्यादा लोभ अच्छा नहीं है। ठीक है चलो, ओके ओके, कर रहा हूं कर रहा हूं, गुस्सा मत हो जाओ। मार्केट एग्जिट,
प्रॉफिट पे स्क्वायर ऑफ हो गया भाई, बधाई हो बधाई हो बधाई हो आप सबको, कर दिया स्क्वायर ऑफ। अब ओपन ऑर्डर्स जीरो, ऑर्डर हिस्ट्री ये रहा, हो गया टू ट्रांजैक्शंस बाय, टू ट्रांजैक्शंस सेल, दिखा टू ट्रांजैक्शंस बाय टू ट्रांजैक्शंस सेल, स्क्वायर ऑफ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, डेफिनेटली डैब तो बनता है, तेरा डैब बहुत फेमस हो गया जानवी, वी आर सो लकी। यस एक्चुअली यू गाइस आर लकी फॉर मी, मानना पड़ेगा, फोन पे कर दो प्रॉफिट। चलो ग्रेट है यार, आज का प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया। देखो कितने पे बाय किया, कितने पे सेल किया, कितने पे सेल किया, कितने पे बाय किया। तो पहला वाला अपन लोग ने बाय किया था, लॉन्ग था उसको शॉर्ट किया, दूसरा वाला शॉर्ट था उसको लॉन्ग किया और स्क्वायर ऑफ कर दिया। इक्वल स्प्लिट प्लीज। ओ या चलो एनीवेज कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज का प्रॉफिट लॉस मुझे देखना पड़ेगा, ऑर्डर हिस्ट्री से देखता हूँ। चलो मुझे दिख नहीं रहा है, मेरे ब्रोकर को पूछ लेता हूँ कहाँ पे। टोटल प्रॉफिट मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 900 का हुआ रहेगा टोटल। अब मार्केट देखना कितना नीचे जाता है, अगर आज मार्केट और नीचे गया तो अपन कितना प्रॉफिट कमा सकते थे ये तुम सोच लेना। चलो अब आ जाते हैं आईसीएआई को जो चाहिए उसके ऊपर। चल अब इनिशियल मार्जिन सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब ऐसा तो नहीं बोल सकते ना सर हम लोग गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो ये इंस्टीट्यूट ये जो सेबी वाले ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इनिशियल मार्जिन जिसको मैं लिखूंगा आई एम, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग म्यू प्लस 3 इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन, समझे। म्यू इज इक्वल टू डेली एब्सोल्यूट चेंज एंड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन इन डेली एब्सोल्यूट चेंज। दोनों दिया होगा, टेंशन मत लेना और मैं अभी पढ़ाऊंगा, हो जाएगा। गया मार्केट डाउन, अभी क्या निधि तू मेरे को जला रही है, पहले खुद ही लिखती है कि सर क्लोज कर दो स्क्वायर ऑफ, अभी और नीचे जा रहा है थ्री का। हाँ सब बताऊंगा सब बताऊंगा। थ्री इसके लिए भाई जितना वो लोगों को लग रहा है थ्री टाइम्स, ये स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब जो एक्सपेक्टेड है उससे कितना डिविएट हो रहा है उससे थ्री टाइम्स, ताकि हम ज्यादा मार्जिन मंगवा ले ताकि हम सेफ रहे, इसके लिए स्टॉक मार्केट ने बनाया इन डेली एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, और दूसरा होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट फिक्स्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज, लोअर लिमिट फिक्स्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इफ If balance in initial margin, if balance in initial margin
आफ्टर एडजस्टिंग एमटीएम। एमटीएम क्या है बता रहा हूं, 2 मिनट। आफ्टर एडजस्टिंग एमटीएम, ये एमटीएम है, ये जो रहा है ना एडजस्टमेंट, ये जो रहा ना इसको एमटीएम बोलते हैं। ये क्या हुआ, 17-18 हजार पे अपन लोग ने लॉन्ग किया था, पर मार्केट हो गया 17,900, तो 5 हजार कम हो गया, इसको बोलते हैं एमटीएम, मार्क टू मार्केट, समझ रहे हो। फिर बाद में ये 17,800 हुआ तो और कम हो गया, 1,80,000 से 1,75,000 बैलेंस हुआ, और 5 हजार कम हो गया, 1,70,000 हो गया, एमटीएम हो रहा है। ये 17,900 हो गया, 5 हजार बढ़ गया, एमटीएम हो रहा है। ये अचानक से 20 हजार कम हो गया, 1,55,000 पे आ गया, एमटीएम हो रहा है, मार्क टू मार्केट, समझे पैसा। सो इफ इनिशियल, इफ बैलेंस इन इनिशियल मार्जिन आफ्टर एडजस्टिंग एमटीएम गोज बिलो लोअर लिमिट, गोज बिलो लोअर लिमिट एज फिक्स्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज, मार्जिन अकाउंट विल बी रिस्टोर्ड, मार्जिन अकाउंट विल बी रिस्टोर्ड टू द ओरिजिनल। हाँ, अब इसका आंसर तुम लोग दोगे, टू द ओरिजिनल आंसर दो, टू द ओरिजिनल आंसर दो। हाँ, टू द ओरिजिनल क्या, करेक्ट, इनिशियल मार्जिन, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। जानवी, पद्मावती, जूही, मीनल, चंदन, केलेक, फॉरिन, महिमा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वेरी नाइस। ओरिजिनल इनिशियल मार्जिन, देखो तो दिस इज हाउ यू डू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस प्रैक्टिकली। अब आप लोगों को डर नहीं है क्योंकि आप लोग ने तो ट्रेड करवाया मेरे को यार, प्रॉफिट करवाया है, मतलब किसी धंधे में आप लोग ने प्रॉफिट करवाया है, उस धंधे की समझ होगी तभी करवा पाओगे ना यार। सो यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, बस ऐसे ही करते रहो, मार्क्स भी अच्छा आएगा, मार्क्स अच्छा आया तो वापस प्रॉफिट होगा, अच्छा जॉब मिलेगा, है कि नहीं। गुड, नाइस नाइस टू सी योर एंथुसियाज्म टुवर्ड्स एवरीथिंग। बट ये स्टाइल सही लगा ना तुम लोग को, तुम लोग ही बताओ, मतलब प्रैक्टिकली ट्रेड करवाओ और फिर बाद में ये कॉन्सेप्ट करवाओ, ये सही लग रहा है ना। क्योंकि मुझे थोड़ा डर था इनिशियली कि क्या पता कैसा होगा, पब्लिक बोलेगा अरे सर ट्रेड रेट क्या करवा रहे हो, सम करवाओ, ये करवाओ सीधा। आई वॉज लाइक नहीं यार कैसे समझाऊंगा, मतलब मुझे लग रहा है मैं कैसे समझाऊं, प्रैक्टिकली कोई कैसे समझाता होगा ये सब करवाए बिना, मुश्किल है, चकास। बट यस, मुझे सेटिस्फेक्शन लगा, मुझे लगा सही जा रहा है, जब मुझे आप लोग में से किसी का मैसेज आया था कि वाह सर थैंक यू फॉर द एड्रेनलिन रश, आई थिंक जानवी का मैसेज आया था, एंड आई वाज लाइक चलो फिर अपन सही जा रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट चीज लिखवा देता हूं, एम मार्क टू मार्केट, MTM, मार्क टू मार्केट, इसको क्या बोलेंगे अपन, डेली सेटलमेंट इन क्लोजिंग प्राइस। चलो, डेली सेटलमेंट इन क्लोजिंग प्राइस, डेली चेंजेस विल बी एडजस्टेड
डेली चेंजेस विल बी एडजस्टेड, किसके साथ एडजस्ट होगा? अगेंस्ट डिपॉजिटेड इनिशियल मार्जिन, अगेंस्ट द डिपॉजिटेड इनिशियल मार्जिन अमाउंट। समझ गए? चल, क्लियर है एवरीवन? देख लो, समझ लो। चलो गाइस, डन। अभी आगे बढ़ेंगे। एकदम सही मीनल, एकदम सही। मेरा पहला पहला प्यार है ये, ओ। चलो स्टार्ट करते हैं। अब एक क्वेश्चन जो है आपकी बुक का, जहां पे सारे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्लियर। जी हाँ, आइए। अपन ने देखो कितने पे फ्रीज किया था। अभी कितना चल रहा है? और एक ट्रेड मारू क्या? थोड़ा तुम लोग बताओ ना एनालिसिस करके कि कब क्या होने वाला है, फिर ट्रेड मारेंगे आगे फ्यूचर में। ऑप्शंस भी है अभी अपने पास। पद्मावती बाद में कॉपी कर लेना ना, यू कैन कॉपी इट लेटर। आपको भी मजा आ रहा है ट्रेडिंग में, मुझे तो मजा आता ही है। अभी तो तुम लोग के साथ कर रहा हूं इसलिए और मजा आ रहा है। बाकी अपने को तो यार, बाकी मैं करता हूं तो थोड़ा एनालिसिस के साथ करता हूं। अभी क्या है, मैं खुद भी सट्टा ही लगा रहा हूं, तो मुझे भी लग रहा है चलो चलने तो चल रहा है वैसा। ओके आ जाओ, चलो क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर आ जाओ, फोकस करेंगे अपन पब्लिक। सेंसेक्स फ्यूचर्स आर ट्रेडेड एट अ मल्टीपल ऑफ 50। ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 50 क्या है? सेंसेक्स फ्यूचर्स क्या है? अपन ने भी तो अभी वही किया। अरे भाई, अभी अपन लोग ने भी तो वही किया। अपन लोग ने सेंसेक्स फ्यूचर्स की जगह अपन ने कौन सा फ्यूचर्स पे ट्रेड किया बोलो? अपन ने सेंसेक्स फ्यूचर्स की जगह अभी अपन ने किस पे ट्रेड किया था? निफ्टी फ्यूचर्स। वैसे ही सेंसेक्स फ्यूचर्स भी होता है, मल्टीपल ऑफ 50। 50 क्या है? लॉट साइज। एब्सोल्युटली करेक्ट सौम्या, लॉट साइज।
कंसिडर द फॉलोइंग कोटेशंस ऑफ सेंसेक्स फ्यूचर्स इन द लास्ट 10 ट्रेडिंग डेज ड्यूरिंग द फेब्रुवरी। अब ये अपना ट्रेडिंग डेज ना होके अपने लिए क्या हो गया, ये ट्रेडिंग सेकेंड्स, ट्रेडिंग मिनट्स, वैसा हाई लो क्लोजिंग। मुझे बताओ अपने को यहाँ पे हाई से लेना देना है, लो से लेने देना है, या क्लोजिंग से लेना देना है, या तीनों से लेना देना, सोच समझ के बताना। मुझे यहाँ पे हाई से लेना देना है, लो से लेना देना है, या क्लोजिंग से लेना देना है, सोच समझ के बताओ, सोच समझ के बताओ। बोलो भाई किस चीज से लेना देना है मेरे को? भाइयों और बहनों मुझे खाली एक ही चीज से लेना देना है और वो है क्लोजिंग, क्लोजिंग, क्लोजिंग। बाकी ये हाय गया तेल लेने, लो गया तेल लेने, मैं एग्जीक्यूट मेरा ऑर्डर ट्रेड करने वाला हूँ क्लोजिंग पे, खत्म। क्लोजिंग कितना है उस पे मेरा ट्रेड बैठेगा। तो ये हाय लो कोई काम का नहीं है, खाली क्लोजिंग काम का है। हाँ अब तुम लोग बोल सकते हो कि सर ये जो है ना आपका मार्जिन, शायद ये मार्जिन के लिए यूज आ जावे, डेली एब्सोल्यूट चेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन इन डेली एब्सोल्यूट चेंज, उसके लिए हाईलो काम आ जाए। बट फिलहाल मैंने मार्जिन का बात किया ही नहीं, मैंने बात किया मुझे प्रॉफिट एंड लॉस का बात किया। मुझे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो एक ही चीज से आएगा, वो है मेरे क्लोजिंग से, बस सिंपल याद रखना, ठीक है? अच्छा अभी आगे आगे बढ़ते। अभिषेक बॉट वन सेंसेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन फेब्रुवरी 4, ऐसा सोचते हैं संकल्प। जैसे अभी अपन लोग ने बाय किया, संकल्प बॉट अ इंडेक्स, कौन सा, निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन फेब 4। द एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंज इन द कॉन्ट्रैक्ट इज ₹10,000 दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है। ये क्या है, ये 10,000 क्या है अपने फॉर्मूला में, ये 10,000 क्या है अपने फॉर्मूला में, ये 10,000 क्या है, डेली एब्सोल्यूट चेंज म्यू म्यू, ठीक है? एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दीज चेंजेस इज ₹2,000। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब कितना डिविएट हो रहा है, मतलब मैं पोर्टफोलियो में सीखा था रिस्क, मतलब कितना रिस्क अपना रिटर्न कितना डिविएट होता है, बराबर है? तो कितना डिविएट हो रहा है उसके जैसे कितना रिस्क है, वो रिस्क मल्टीप्लाई बाय 3, बराबर कि नहीं? सो अभी ये रिस्क कितना है मेरा टर्म्स में 2,000। अब ये भी कैलकुलेट करने के इनके पूरे तरीके, स्टैंडर्ड डिविएशन इन डेली एब्सोल्यूट चेंज में इन्होंने तो एक्सेल में सब, इनके पास तो सॉफ्टवेयर और एक्सेल है उसमें डाला हुआ है, उससे उनको ये मिल गया 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 10,000 प्लस 3,000 इंटू 2 6,000। मुझे बताओ इनिशियल मार्जिन कितना आएगा? ए भाई इनिशियल मार्जिन कितना आएगा? अरे बोलो ना इनिशियल मार्जिन, हाँ 16,000। क्या आपको इनिशियल मार्जिन कैलकुलेट करना आ गया? अच्छा उसके बाद द मेंटेनेंस मार्जिन इज 75%। मेंटेनेंस मार्जिन कितना आएगा, मेंटेनेंस मार्जिन कितना आएगा, बोलो बोलो चल चल, 16,000 का 75%, बोलो बोलो चल चल, 12,000, 12,000, समझ गए? क्लियर? अच्छा अब स्टार्ट करें सम को सॉल्व करना। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, क्वेश्चन अभिषेक भाई है हमारे, अपन बोलेंगे क्या है ये भाई, 14। अच्छा अभी सुनो क्या सीन है, क्या सीन है देखो, सबसे पहले इनिशियल मार्जिन कैलकुलेट करोगे। अच्छा इनिशियल मार्जिन कितना है, बोलो बोलो कितना है, फॉर्मूला म्यू म्यू प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन,
वेरी गुड फरी, फरी ने लिखा है इफ इट गोज बिलो 12,000 देन कॉल विल बी डन टू ब्रिंग द बैक अमाउंट टू 16,000। जब्बा। सो ये देखो, ये गिवन है कितना 10,000, ये गिवन है कितना 2,000, सो प्लस 3 × 2,000 कितना 6,000, सो इनिशियल मार्जिन 16,000। फिर उसके बाद मेंटेनेंस मार्जिन कितना 75% ऑफ इनिशियल मार्जिन, 75,000% इंटू 16,000 12,000। समझे? इधर तक सही है? नाउ लेट्स गेट द एड्रेनलिन रश। आओ अब चालू करते हैं अपन डे। अभी अपने को सम सॉल्व करना है, अपने को बताना है कब इनिशियल मार्जिन आएगा, क्या होगा क्या नहीं, पूरा फलाना ढींकना सब चीजें अभी अपने को वो लोग को पूरी कर कैलकुलेट करके बतानी है। तो करेंगे क्या? करेंगे ना सर। आओ करते हैं। तो अभी अपन लोग लिखते हैं कौन से डे का क्या है सीन। तो इधर लिखते हैं डे, ठीक है। फिर चेंज इन फ्यूचर वैल्यू, मार्जिन अकाउंट, कॉल मनी। चेंज इन फ्यूचर वैल्यू इसका सबसे बड़ा, फिर मार्जिन पे क्या और कुछ कॉल करना है क्या। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। तो अपन ने जो भी किया ना, बस उसी को अपन ने जो भी किया ना बस फॉर्मली उसी को अभी अपन लोग एक स्टेटमेंट फॉर्म में बता रहे, और कुछ नहीं। चलो चेंज इन फ्यूचर वैल्यू, मार्जिन अकाउंट, कॉल मनी। चल आओ, सबसे पहला क्या हुआ है, सबसे पहला क्या है, फोर्थ ऑफ उसको तो अपन लोग ये कर रहे हैं भाई ट्रांजैक्शन, फोर्थ फेब को मार्जिन मनी लेकर आ रहे हैं अपन लोग कितना 16,000 का। कुछ कॉल करने की जरूरत नहीं है उस दिन पे, तो ठीक है। अब प्लीज मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग का साथ चाहिए प्लीज। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा तेरे मिलन के। अब देखो 5th फेब को क्या हो रहा है, क्लोजिंग 3294.4। और अपन लोग कौन है, अपन लोग लॉन्ग वाले कि शॉर्ट वाले है, अपन लोग लॉन्ग वाले कि शॉर्ट वाले, कुछ लिखा है क्या भाई? ठीक है, बॉट 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 बॉट, अपन लोग कौन है, अपन लोग लॉन्ग वाले, तो अपने को चाहिए मार्केट ऊपर जाए। अब देखो क्या हुआ, फर्स्ट डे पे ही क्या हुआ, क्लोजिंग, ये हाई लो को तो हटा, फर्स्ट डे पे तो मैंने ले लिया, सेकेंड डे पे 3294.4। शिट, मार्केट नीचे गया और मुझे ऊपर चाहिए था, तो तुम जैसे लोग तो टेंशन में आ जाओगे, हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा, लॉस हो रहा है लॉस हो रहा है। अरे यार क्या, तू भी 3296.5, 3296.5 से गिर के 3294.4 पे आ गया है, इनटू 50 भाई, एक का चेंज हुआ है ये अपने को तो 50 का है, तो कितना चेंज हो गया भाई, कितना चेंज हो गया। तो 3296.5 पे मैंने लिया था, अब 3294.4 हो गया है × 50, माई गॉड 105 का डाउनफॉल है, तो 105 लॉस है, तो ब्रैकेट में लिखता हूं, तो 16,000 का जो मार्जिन था अब वो कितने का हो जाएगा,
16,000 का जो मार्जिन था वो कितने का हो जाएगा, तो प्रॉफिट लॉस यहाँ पे एडजस्ट होता है, समझे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16,000 माइनस 15,859 समझिगड़ू। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 फेब को क्या हुआ है, 3230। कहीं का नहीं रहूंगा मैं, लॉस पे लॉस हो रहा है। 3230.4, 3294.4 से 3230.4 x 50 लॉस है कितने का, मम्मी पापा मार रहे हैं, बोला था इसको, बोला था मत कर, सुनेगा संकल्प सर की, सुनेगा हा? तो ले कर लॉस 3,200 का। हार वेला को तो माय गॉडनेस, तो 15,895 कितना बैलेंस बच रहा है, 12,695। अब अंदर से आवाज आएगी, मुझे नहीं करना है फ्यूचर्स, मुझे कोई यहां से निकाल दो, मुझे नहीं करना है फ्यूचर्स। बट अब मार्केट बोलेगा तू आया नहीं है, तुझे लाया गया है, अब तो तू गया बेटा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब सुनो, अब सुनो वापस, 3212.3 और गिर गया। अब तुम्हारे को वो पल याद आएगा जिसने तुम्हारे को सिखाया था फ्यूचर्स में डील करना, और लगेगा कि वो कौन सा मनहूस पल था जब मैंने ये लेक्चर अटेंड किया, सर क्यों सिखाया ये। तो इन शॉर्ट वापस से लॉस होने वाला है, कितना लॉस होने वाला है, कितना लॉस होने वाला है, कितना है, 855। 855 का लॉस, नहीं एक सॉरी शायद मैंने कुछ वहां दिया, 3230.4, 3212.3, नाइन जीरो फाइव का लॉस है, सॉरी 905 का लॉस। अब तो आप 12965, सॉरी 12695, उसमें और 905 का लॉस, तो 11790। मेंटेनेंस मार्जिन के भी नीचे चला गया है, तो 7 फेब को 11790 बैलेंस बिलो MM, दैट इज 12,000। अब कितना इंट्रोड्यूस करोगे, इंट्रोड्यूस मार्जिन मोर, इंट्रोड्यूस मोर मार्जिन मनी सच दैट इनिशियल मार्जिन इज रिस्टोर, समझे क्या। कितना लाना पड़ेगा वो बोलो, करेक्ट कॉल मनी, चंदन गुप्ता इज करेक्ट, महिमा इज करेक्ट, जूही इज करेक्ट, परी इज करेक्ट, वेरी गुड, जानवी इज करेक्ट, वेरी नाइस, इनिशियल मार्जिन इज रिस्टोर 16,000 माइनस 11790 विद योर परमिशन ₹4210 कॉल करना पड़ेगा, मार्जिन वापस 16,000। बस अब इसको सॉल्व करते जाओ भाई, अब मेरी जरूरत नहीं है, अब सॉल्व करते जाओ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चलो नेक्स्ट, अभी यार टाइम पास है।
3, 2, 6, 7.5। चलो अभी आके क्या करो, फटाफट करो, चलो। चलो भाई अभी ये मुद्दे को क्लोज करो फटाफट यार। मैं करूं तो मैं तो एकदम भप झप 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 जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा। चालू करूं मैं? चलो, तुम लोग का हो भी गया कुछ लोगों का। अच्छा ऐसा। चलो अभी मैं हूं 10th ऑफ फेब पे। तो सुनो ना, 8th और 9th को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस दिन संडे संडे था। तो 10th फेब पे आते हैं। 10th फेब का क्या सीन है? 3, 2, 6, 7.5। तो 3, 2, 6, 7.5 माइनस लास्ट क्लोजिंग था 3, 2, 3, 0.4 इंटू 50। बोलो कितना आता है? एट फाइव फाइव का प्रॉफिट बराबर। तो कितना हो गया? क्या मैंने कुछ गलती किया क्या? इधर तो 2760 आ रहा है, 3267.5, 3212.3 है क्या? ये तो हो गया ना, 3212.3। सॉरी मुझे ये लेना था, माय बैड। चलो यार कंप्लीट करना है तो मुझे भी लग रहा है तुम लोग ही कर लो ना यार। ए मुझे बताओगे क्या तुम लोग? मैं फटाफट डिक लेता हूँ यार, अभी इस पे कौन टाइम वेस्ट करेगा। 3212.3। तो 2760 करेक्ट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 18,760। किसी कॉल की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। अभी मेरे को आगे का बताते जाओ ना जल्दी यार। अभी क्या 11th फेब को क्या सीन है? अह 3263.8। थ्री टू 3267.5 वापस कम हो गया यार। तो देखो 3263.8 माइनस 3267.5 185 का लॉस। वन एट फाइव सेवन फाइव। चलो नेक्स्ट 3292। 12th डिसेंबर 12th फेब्रुवरी 3292। 3292 माइनस 3263.8। बहुत बढ़िया बराबर। कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया कितना का? 3292 है भाई, ठीक है। लास्ट टाइम का क्लोजिंग 3263.8, ठीक है। 3292 माइनस 3263.8 1410 आ रहा है क्या यार? प्रॉफिट हुआ है, भाव बढ़ गया है, तो 1410 बढ़ाओ भाई 18575 में, 19985। क्या बात है, मैं भाई इनिशियल मार्जिन से 3,000 रुपया ऊपर हूं। यही मेरा प्रॉफिट है बॉस, यही मेरा प्रॉफिट है, समझे गया? व्हाट देख रहे हो व्हाट? चलो अब सुनो, अब क्या हुआ? 3309.3।
3309.3 -3292 और प्रॉफिट। आह और प्रॉफिट और प्रॉफिट और प्रॉफिट कितना हुआ? 3309.3 -3292 into 50, 865। तो 20,850 हो गया। वट देख रहे हो मेरा, वट देख रहे हो? आ यस यस, थैंक यू सो मच जानवी। इसके बाद 100% रेस्ट, जो कि मेरी जिंदगी में है नहीं, मैं ट्राई करूंगा। चलो चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट। तो उसके बाद अभी 13th के बाद कभी है? हाँ, 13th नहीं था वो, एक्चुअली 14th फेब था। तो ये 14th फेब था, वैलेंटाइन डे पे अपने को गुड न्यूज मिल गया। क्या बात है, फायदा ही फायदा हो गया वैलेंटाइन डे पे। वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच जानवी फॉर कैरिंग। मैं तेरे शैतानी इंटेंट में समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ तेरे शैतानी इंटेंट। चलो चलो, 3309.3 था लास्ट का क्लोजिंग। 3257, ओ नो, -3309.3। उसके बाद ट्रेडिंग करते हैं, खाली ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद क्या बोलते हो, संभव नहीं? संभव ये संभव कुछ नहीं है यार। लॉस हो गया क्या? शक्स यार, 2575 का लॉस, तो 20850 18275। चलो एंड लास्ट, 18 फेब्रुवरी, गॉट इट, लास्ट लास्ट 3102.6। ओ शक्स, इतना बड़ा लॉस, 3257.8 से सीधा 3102.6। इतने टोटल लॉस भी बताऊंगा बाद में, डोंट वरी, प्लीज प्लीज बने रहिए। -3102.6, 155.2 into 50, 7760 का लॉस, -18275, 10515, 10515 आ रहा है। और कॉल मनी चाहिए 16,000 का। अब 5485 का कॉल मनी चाहिए ताकि मैं 16,000 पे पहुंच पाऊं। शक्स, अब मुझे बताओ ये टोटल ट्रांजैक्शन में कितना फायदा कितना नुकसान? ये अपन लोग ने क्लोज कर दिया ना, फिर 18th फेब को क्लोज कर दिया, 18th फेब को क्लोज कर दिया बराबर। हाँ, ये अपन लोग ने अज्यूम करते हैं, अपन लोग ने क्लोज करके बेच दिया, क्लोज करके बेच दिया, तो कितना नुकसान हुआ मैं बोलू आपको? अपन लोग घुसे थे तब 3296.5, अब एग्जिट कर रहे हैं 3102.6 पे, मतलब सीधी सी बात है लॉस मल्टीप्लाई बाय 50, 9695 का लॉस है। सुनो, अब लॉस कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, तुम्हारे को जो ठीक लगे। लॉस कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, तुम्हारे को जो ठीक लगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट स्लैश लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट स्लैश लॉस, दो तरीके हैं, दोनों से बताता हूं। एक
अपन लोग ने बाय कितने पे किया था, बाय कितने पे किया था, 3296.5। अपन लोग इसको स्क्वायर ऑफ कितने पे कर रहे हैं, 3102.6। तो इन शॉर्ट जब सेल्स कम है बाय ज्यादा है तो ये लॉस हुआ ना, तो कितना 3296.5 माइनस 3102.6 193.9 मल्टीप्लाई बाय 50। नाइन सिक्स नाइन फाइव का लॉस एंड सामने सामने अगर दूसरे तरीके से करना है तो देखो, मैंने 16,000 पे स्टार्ट किया था, एंड भी 16,000 पे किया है, बट बीच में मुझे दो बार कॉल मनी लाना पड़ा। सो कॉल मनी वही तो लॉस को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना 4210 प्लस 5485 कितना आता है देखो, करेक्ट 9695। ए समझे गुरु, अच्छा एवरीबॉडी बोलो बोलो, चल चल समझे कैसे किया क्या किया। अब तुम लोग डाउनलोड करके कॉपी कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, बट क्या अभी तक जो भी समझाया फ्यूचर्स लॉजिकली प्रैक्टिकली ट्रेड करके समझी गुडू, मार्जिन मनी करके समझी गुडू, आई होप एवरीथिंग इज नाउ वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल। यस केला डन, बस हो गया, यही तो है फ्यूचर्स और कुछ नहीं है। अब इसमें थोड़ा और चीज ऐड होती जाएगी, बाकी नथिंग नथिंग डिफिकल्ट एज सच, नथिंग ग्रेट एंड डिफिकल्ट जो अपने को लग रहा था। चलो ग्रेट है, डन है, ओके इट्स टाइम फॉर मी टू से अस्ता ला विस्ता गाइस, क्लियर हो गया है। अब आप लोग प्लीज कॉपी कर लेना इसको, बाकी मिलते हैं। नो इट इज नॉट, पब्लिक को टफ क्यों लगता है, मैंने बोला ना डेरिवेटिव्स पब्लिक को इन जनरल क्यों टफ लगता है, क्योंकि देखा नहीं होता है, अपन स्टार्ट ही वो कर रहे हैं जो आप लोग का बेस है, प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी नहीं आएगा, बाकी लॉजिक्स ओपन रखना ही है, कोई डाउट नहीं है। मुझे तो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर का डिफरेंस आज समझ आया, चलो जब जागो तब सवेरा। सौम्या जी क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट में बहुत सारे होते हैं ना, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, सब आ जाते हैं, करेंसी फ्यूचर्स कमोडिटी फ्यूचर्स। सो वो अभी से फॉर एग्जाम्पल स्टॉक का जो डेरिवेटिव है, स्टॉक का जो फ्यूचर है वो 3 बजे बंद हो जाएगा, दूसरा जो से फॉर एग्जाम्पल कमोडिटी है गोल्ड का और ये सब, तो ये तो रात तक चलते रहता है तेरा। मेरे फ्रेंड लोग हैं वो लोग कमोडिटी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग रात को 12 12 एक एक बजे घर पे आते हैं, समझे। वेरी गुड, आई एम रियली हैप्पी कि सब लोग को आज समझ में आ गया फॉरवर्ड फ्यूचर का डिफरेंस और फ्यूचर प्रैक्टिकली क्या होता है कैसे करते हैं। सही बोली फरीन, तू सही बोली केलक, अभी इजी लग रहा है क्यों। हाँ गुड, चलो गाइस टाइम फॉर मी टू से अस्ता ला विस्ता फाइनली, थैंक यू सो मच, ग्रेट। अब और मजा आएगा करने में, क्योंकि कोई चीज समझ में आ जाती है फिर उसके जब एडवांस लेवल की चीजें करते हैं तो और एक लेवल का किक मिलता है, एंड आई एम श्योर इट्स इट्स रियली गोइंग टू बी सुपर डुपर फन, राइट। कल थोड़ा अपन लोग मनी कंट्रोल पे जाके और भी अगर आप लोग को प्रैक्टिकली देखना हो कि कैसे ट्रांजेक्शन कितने बड़े बड़े ह्यूज वॉल्यूम होते हैं वो भी अपन लोग देखेंगे, लेट्स सी। एंड ऑब्वियसली जो इंस्टीट्यूट है उसको तो फॉलो करते ही रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलो बाय, ग्रेट टू नो फरी बाय।